हे गाइस, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी फ्री लैपटॉप योजना में आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे या आप इसमें आवेदन कैसे करेंगे, आप इस फॉर्म को कैसे अप्लाई करेंगे, अप्लाई करने के बाद आपको कहाँ पे ये आपको अपना फॉर्म और अपना डॉक्यूमेंट्स पोस्ट करना है या सेंड करना है या जमा करना है। इस वीडियो में आपको सारी प्रोसीड हम यहाँ पे बताने वाले हैं। अगर आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। बेसिकली आपको इसमें सारी डिटेल्स एक एक करके मिल जाएगा, तो कंटिन्यू जरूर देखिएगा। वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग होगी क्योंकि सभी इन्फॉर्मेशन मैंने इसमें आपको बारीकी से बताया है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आवेदन फॉर्म सबमिट करने से पहले जानते हैं इस फॉर्म के थोड़ी सी डिटेल्स के बारे में। सबसे पहले जान लेते हैं ये आपकी जो योजना लागू की गई है, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा योजना ये जारी किया गया है। इसमें आपको जो योजना नेम मिलेगा यूपी फ्री लैपटॉप योजना, जिसमें आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, चाहे आप ऑफलाइन फॉर्म सबमिट करके आपको किस पते पर पोस्ट करना है ये हम बताने वाले हैं। इस योजना में कौन कौन से उम्मीदवार अप्लाई कर सकते हैं, तो यहाँ पे साफ साफ बताया गया कि ओनली यूपी के स्टूडेंट इसमें आवेदन कर सकते हैं, जिसमें फ्री लैपटॉप या स्मार्टफोन या टैबलेट मिलने वाली है। अभी फ़िलहाल अप्लाई करने की जो मोड है ऑफलाइन है और ऑनलाइन का रजिस्ट्रेशन का लिंक अभी एक्टिवेट नहीं है। तो ऑफलाइन कैसे आवेदन करना इस वीडियो में बताने वाले हैं। हु कैन अप्लाई, यानी कि कौन कौन कैंडिडेट इसमें आवेदन कर सकते हैं, तो उत्तर प्रदेश के निवासी, जिसमें मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। आप इस फॉर्म को किस जगह पर सबमिट करेंगे, यानी कि लोकेशन क्या होने वाली है, तो आपको अपने स्कूल या कॉलेज में फॉर्म को सबमिट करने के बाद पोस्ट करनी यानी कि जमा करना है। ऑफिशियल साइट ये है, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। चाहे तो आप गूगल में सर्च कर सकते हैं upcmo.upnic.in, ये ऑफिशियल पेज है, यहाँ से आप इसमें रजिस्ट्रेशन करेंगे। लेकिन फ़िलहाल अभी लिंक एक्टिवेट नहीं है। आवेदन फॉर्म जो ऑफलाइन अप्लाई होने की पेज है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इस फॉर्म को अप्लाई करना है, तो इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए एलिजिबिलिटी जो मांगी गई है यूपी फ्री लैपटॉप योजना में, अभ्यर्थी को उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए। इसके साथ मान्यता प्राप्त संस्था से 10वीं 12वीं या ITI या डिप्लोमा या ग्रेजुएशन पास होनी चाहिए। 10वीं और 12वीं के क्वालिफिकेशन में 65% आपका अनिवार्य रूप से होनी चाहिए। 65 से 70 तक रहेगा तभी पर आप इसमें आवेदन कर सकते हैं, लेकिन 65 से कम नहीं होनी चाहिए। इस योजना में आवेदन फॉर्म अप्लाई करने के बाद आपको कौन कौन से दस्तावेज देना पड़ेगा, तो यहाँ पे सबसे पहले आपका आधार कार्ड लिया जाएगा, उसके बाद निवास प्रमाण पत्र लिया जाएगा, उसके बाद आप 10वीं या 12वीं या ग्रेजुएशन या जो भी क्वालिफिकेशन आप पास हैं उसका मार्कशीट आपको देना पड़ेगा, पासपोर्ट साइज का आपको फोटो देना पड़ेगा, मोबाइल नंबर और अपना फुल डिटेल्स देने के बाद इस आवेदन फॉर्म को कंप्लीट सबमिट करना है। फॉर्म अप्लाई करने की जो स्टार्टिंग डेट है, नवंबर 2021 से आवेदन फॉर्म स्टार्ट हो गया है अप्लाई करना। इसमें कोई चार्जेज आपको नहीं देना है, फॉर्म आपको अप्लाई करने का कोई भी फी पेमेंट नहीं करना है, ये ध्यान दीजिएगा। तो आवेदन फॉर्म कैसे डाउनलोड करना है और कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, फिलहाल यहाँ पर लिंक एक्टिवेट नहीं है, क्लिक करेंगे तो ऑफिशियल साइट पर जाएंगे। यहाँ आपको जो डाउनलोड नोटिफिकेशन का ऑप्शन मिल रहा है इस पर आपको क्लिक करना है, तो आपके सामने ये पेज आएगा, इस पेज को आपको फिलअप करना है। ऊपर यहाँ पर देखेंगे उत्तर प्रदेश मुफ्त लैपटॉप योजना 2021 स्टूडेंट्स डाटा फॉर्मेट लैपटॉप टैबलेट डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें ITI पॉलिटेक्निक UG PG BEd BTC UP बोर्ड CBSE बोर्ड, इन संस्थाओं में जो भी कैंडिडेट क्वालिफाई किए हैं वो इसमें आवेदन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। सत्र 2021 और 22 की यहाँ पे डेट बताई जा रही हैं। तो आवेदन फॉर्म अप्लाई करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे स्टूडेंट का नेम लिखना है, देख सकते हैं सामने यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है। उसके बाद जेंडर में आप मेल हैं या फीमेल हैं वो आप यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे फादर नेम इस बॉक्स में लिखना है। उसके बाद मदर नेम आपको यहाँ इस बॉक्स में लिखना है। आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है वो आप यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद आधार की जो नंबर है, सीरियल नंबर होती है 12 अंक की, वो आप यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद आपको अपने मोबाइल नंबर को लिखना है और उसके बाद यहाँ पे आपको अपना मेल आईडी लिखना है। परमानेंट एड्रेस में जो यहाँ पे बताया जा रहा है आपको अपना पूरा एड्रेस लिखना है और यहाँ पे तहसील या ब्लॉक लिखना है, यहाँ पे आपको अपना जिला लिखना है, यहाँ पे पिन कोड आपको लिखना है। उसके बाद यहाँ पे आप अपना स्टेट लिखेंगे, आपकी यूनिवर्सिटी का क्या नाम है वो भी आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। इंस्टीट्यूट नेम आपको यहाँ पे लिखनी है कि आपका इंस्टीट्यूट नेम क्या है क्वालिफिकेशन का। उसके बाद स्टूडेंट का एनरोलमेंट नंबर या रोल नंबर आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। जो भी आप क्वालिफिकेशन देंगे उसका रोल नंबर या एनरोलमेंट नंबर आपको लिखना पड़ेगा। उसके बाद
नेम ऑफ कोर्स यानी कि आप कौन से कोर्स कर रहे हैं वो आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा। नीचे आपको लेवल ऑफ कोर्स मिल जाएगा जिसमें आपका ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएट और डिप्लोमा, यहाँ पे तीनों ऑप्शन में आपका जो भी क्वालिफिकेशन है उससे आप टिक मार्क कर लेंगे। यहाँ पे आपको लेवल एनरोलमेंट नंबर इन यानी कि आपको जो लेवल की आपकी क्वालिफिकेशन है उसका एनरोलमेंट नंबर यानी कि रोल नंबर आपको यहाँ पे लिखनी है। करेंट कोर्स आपका क्या चल रहा है उसकी ईयर आपको यहाँ पे लिखना है। फीस ड्यू इफ एनी यहाँ पे आपको बतानी है, फीस एनओसी है तो यस करना है, नहीं है तो आपको नो करनी है। उसके बाद आप जैसे ही थोड़ा सा नीचे करेंगे तो यहाँ पे आपको अपना सिग्नेचर इसमें करना है और उसके बाद यहाँ पे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको इसके साथ संलग्न करनी है यानी कि भेजना है। देख सकते हैं हाई स्कूल व इंटरमीडिएट अंक प्रमाण पत्र की मूल छाया प्रति यानी कि टू कॉपी और उसके बाद प्रवेश परीक्षा की रसीद की छाया प्रति, आप जिस भी कॉलेज में एडमिशन कराए हैं उनके यहाँ से एक रसीद मिलती है वो रसीद का टू कॉपी देना है, आधार कार्ड का टू कॉपी देना है, निवास का टू कॉपी देना है और दो पासपोर्ट साइज का आपको फ़ोटो देना है। ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपको अपने द्वारा सेल्फ अटेस्टेड करा सकते हैं, चाहे आप विदाउट अटेस्टेड आप इसमें संलग्न करेंगे यानी कि इसके साथ एकत्रित कर लेंगे। उसके बाद आपको एक लिफाफे में पैक करना है, एक नमूने के तौर पे हम आपको ये लिफाफा दिखा रहे हैं। इस लिफाफे में आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को इसमें भर देनी है, भरने के बाद आपको अपने कॉलेज या स्कूल में जाना है और जाने के बाद वहाँ पे आपको इसे सबमिट करना है। सबमिट कराते समय आपका यहाँ पे नाम डिटेल्स और आपके मोबाइल नंबर ये सभी चीज़ ऊपर लिखाया जाएगा तो आप इसे लिख सकते हैं। किस योजना के लिए आप फॉर्म पोस्ट करें वो योजना आपको यहाँ पे लिखना है। लिखने के बाद आपको डायरेक्ट अपने कॉलेज या स्कूल पे इसे सबमिट कर देनी है, बस इतना ही करना है और आपको कुछ नहीं करना है, बस उसके बाद आपका ये फॉर्म कंप्लीट सबमिट हो जाएगा। इसके आगे का जो प्रोसीड है वो स्कूल वाले करेंगे और उसके बाद आपको जब ये लैपटॉप वितरण किया जाएगा तब आपको ये लैपटॉप या टैबलेट जो भी है वो आपको प्रदान किया जाएगा यानी कि दिया जाएगा। ऑनलाइन का जो लिंक है वो फ़िलहाल अभी एक्टिवेट नहीं है, जैसे ही लिंक एक्टिवेट होता है तो हम आपको बता देंगे कैसे आप ऑनलाइन इसमें रजिस्ट्रेशन करेंगे। वैसे इम्पॉर्टेंट है आपका ऑनलाइन ही रजिस्ट्रेशन, फ़िलहाल अभी ऑफलाइन फॉर्म अप्लाई हो रहा है तो किस प्रकार से अप्लाई हो रहा है जल्द से जल्द अप्लाई कर दीजिए। ऑनलाइन का लिंक एक्टिवेट होते ही हम आपको बताएंगे कि आप ऑनलाइन इसमें रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे और फ्री लैपटॉप आप पा सकें। तो ये यूपी के द्वारा अभी ये फ़िलहाल लागू किया गया है योजना, यूपी के जो भी कैंडिडेट निवासी हैं वो इसमें जल्द से जल्द आवेदन कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो आप लोग को पसंद आए या कोई भी सवाल होती है इससे संबंधित तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं एंड वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। कोई सवाल होता है तो कमेंट करके हमें आप पूछ लीजिएगा, चैनल को हमारे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए हम आपसे मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, जय हिंद।